नमस्कार, मैं सोनू कुमार और आप देख रहे हैं द लोक नीति। मध्य प्रदेश में हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर सियासत गर्म है। हर दिन कोई ना कोई अपडेट सामने आ रहा है। कल हमारे पत्रकार भी सीएम हाउस में रात्रि को मौजूद थे, तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कल क्या हुआ था। कल रात हम लोग वहाँ पर 12 बजे से लेकर 2:15 बजे तक मौजूद थे मीर भाई, और इस दौरान तकरीबन 8 से 10 मंत्रियों के आने जाने का सिलसिला चला, और तपाक से एक गाड़ी भी निकली जो बिल्कुल बाल बाल बच गए। एक तो पत्रकार जीतू पटवारी की गाड़ी से, और एक बहुत तेज़ी के साथ गाड़ी निकली स्कॉर्पियो, श्यामला हिल्स थाने के तरफ जा रही थी वो गाड़ी, और पुलिस वालों को कुचलते कुचलते बचे। अब ये तो मैंने सॉफ्ट इसलिए आपको बताया कि भाई ये एक्सट्रैक्ट में क्या ड्राइवर के दिमाग में इतनी तेज़ी छा गई थी कि उसे सामने आदमी नहीं दिखाई दे रहे थे। मतलब तेज़ी सिर्फ नेताओं में नहीं थी, उनके ड्राइवर्स में भी थी, क्योंकि किसी को तेज कहीं जल्दी पहुंचना था तो किसी को जल्दी तेज पहुंचा देना था। तो जो एक्सट्रैक्ट चल रहा था दिमाग में लोगों के, उसने किस तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने का काम किया ये देखा। अब आ जाइए मंत्रियों में, कौन कौन मंत्री थे कल वहाँ पे और किस किस ने बयान दिए, तो मैं बता देना चाहता हूँ, मंत्रियों में कोई बोलने को तैयार नहीं था। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा जी से जब हमने सवाल करा कि सरकार को लेकर, तो उन्होंने कहा, साइन दिखाया और बोले कि सरकार सेफ है। और फिर उसके बाद जब उन पर उनसे सवाल किया गया बीजेपी के एमएलए संजय पाठक को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि आप लोग जो कह रहे हैं वो सही है। फिर जीतू पटवारी से बात हुई तो जीतू पटवारी ने थोड़ा बहुत जवाब दिया इसको लेकर, सरकार को लेकर, और बहुत जल्दी जल्दी में वो चले गए। इसके साथ ही साथ मंत्री गोविंद सिंह निकले वहाँ से, सुखदेव पांसे निकले, जयवर्धन सिंह निकले, लाखन सिंह यादव निकले, विजय लक्ष्मी साधो, तो ऐसे तरुण भनोट, ऐसे मंत्री भी वहाँ से निकले। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी संजय पाठक ने एक वीडियो रिलीज करके कुछ कहा है, उसे लेकर आप क्या कहें? मैं संजय पाठक जी ने जो वीडियो जारी किया है उसमें वो खंडन कर रहे हैं जो कल मीडिया के लोग चला रहे थे कि भाई संजय पाठक बहुत जल्दी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं, ये चला रहे थे मीडिया वाले सूत्रों के हवाले से खबर। एक तो ये जो डिस्ट्रैक्ट करने वाले चीज़ हैं, ठीक है, हम पत्रकार हैं, इस बात को जानते हैं कि सोर्सेस का कभी खुलासा नहीं किया जाता, बिकॉज इसको हमेशा एक प्राइवेसी आईडी या इसको एक प्राइवेसी वेपन के तौर पर यूज़ किया जाता है, बट दैट ओनली फॉर द जर्नलिज्म एथिक्स एंड वी ऑल्सो नो दैट व्हाट इज़ द सोर्स। बट अगर आप कल देखोगे द ऑल स्टेट चैनल क्या चला रहे, वो ये थाम लिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, उनकी सरकार बन गई उनकी, मतलब हाउ दैट कॉल्ड, ये जर्नलिज्म है। आपके पास बड़ा चैनल है, 8 लाख की व्यूअरशिप है, उसमें आप चला दीजिए कुछ भी और सूत्रों का हवाला दे दीजिए या विस्मयादि बोधक का साइन मार दीजिए। पत्रकार के जो कीवर्ड्स हैं जो उसको बचाते हैं, उसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है, ये कुछ मीडिया हाउसेस ने कल बहुत अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास किया, सफल प्रयास किया। दिग्विजय सिंह भी एक स्टेटमेंट देते हुए नजर आए संजय पाठक को लेकर के, इस पे क्या कहें? पहले हम जो है संजय पाठक पे ही हम पूरी बात को कंप्लीट करें। हाँ। तो जो उनका वीडियो आया है, मैं चाहूँगा दर्शकों को पहले वो वीडियो दिखा दिया जाए। तो पहले आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम लोग फिर बात करते हैं उस मुद्दे पे। भी मीडिया के साथियों, मैं आप सबसे आग्रह कर रहा हूँ कि कृपया करके मेरे विषय में जो कल से भ्रामक समाचार आप लोग फैला रहे हैं उसको फैलाना बंद कर दें, गलत मत दिखाएं। आपके ऊपर जनता विश्वास करती है, भारत के आप चौथे स्तंभ हैं, आप जो दिखाते हैं लोग उसके भ्रम में पड़ जाते हैं। आप कल से लगातार दिखा रहे हैं कि मैं किसी वरिष्ठ नेता के यहाँ, मध्य प्रदेश के किसी दिग्गज के यहाँ उनके बगले में मिलने गया, ये पूर्णतः असत्य पर आधारित है। और जो वीडियो क्लिपिंग आप दिखा रहे हैं कि सर छुपा के जो निकल रहे हैं संजय पाठक है, तो आपसे आग्रह कर रहा हूं भाई साहब, आप सभी लोग मीडिया के सभी साथी मेरे मित्र हैं, पिछले 2500 साल से मेरे साथ उठना बैठना खाना पीना साथ में रहा हमारा आपका, आप तो मेरे शरीर के हर अंग को पहचानते हैं। कल जो आप क्लिपिंग दिखा रहे हैं सर छुपा के संजय पाठक निकला है, और जो क्लिपिंग दिखा रहे हैं उसमें कलम नहीं है क्या? मैंने रात भर में कलम बढ़ा ली, पता नहीं किसकी फोटो दिखा के आप जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मैं आग्रह कर रहा हूं, मैं कल किसी व्यक्ति विशेष से नहीं मिला, मेरा साला भर्ती है, मैं उसको हैदराबाद में उसका मेजर ऑपरेशन होना है,
और मैं उसके जीवन मरण के संघर्ष की स्थिति बनी हुई है, मैं उसमें अपने पारिवारिक परिस्थितियों में परेशानियों में फंसा हुआ हूँ। कृपया कर से आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि किसी प्रकार का भ्रम ना फैलाएं। मैं किसी से नहीं मिला, मैं भारतीय जनता पार्टी में हूँ, भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में ही रहूंगा। अब मेरे साथ जो जो हो रहा है पूरी प्रदेश की जनता देख रही है, कम से कम मेरी हत्या ना हो जाए, बस इतना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि राजनीतिक लाभ फायदे के लिए ये लोग मेरे को कहीं मार के भी फेंक सकते हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि आप कृपया कर भ्रम ना फैलाएं। मैं ना किसी से मिला, ना कहीं गया, मैं भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में हूं, भारतीय जनता पार्टी में रहूंगा और आने वाला समय सब बहुत अच्छा होगा। आप सबको एक बार फिर से निवेदन है, कृपया करके किसी प्रकार का भ्रम अगर आप लोग के दिमाग में है तो उसको निकाल फेंकिए। धन्यवाद। तो ये वीडियो देखने के बाद जो है हमारे दर्शक समझ रहे होंगे इस चीज़ को। और एक वीडियो और है हमारे पास नारायण त्रिपाठी को लेकर। नारायण त्रिपाठी को लेकर भी कल कुछ एक दो मीडिया हाउसेज हैं, मैं नाम नहीं बताऊंगा, तो उन्होंने साफ चला दिया कि इस्तीफा दे दिया। देखिए गाड़ी बैक हो रही है, गाड़ी से निकल रहे हैं, जा रहे हैं, इस्तीफा दे दिया। और फिर इस्तीफा देने के बाद विस्मयादी बोधक लगाते हो, कहते हैं सूत्रों के हवाले से खबर। ये जो मैं कहूंगा कि इसको क्या बोला जाना चाहिए, इसको दुरुपयोग से सदुपयोग बनाने की क्रियाविधि कैसे करें, ये सीखिए हमारे मध्य प्रदेश के कुछ चैनलों से। मेरी लाइन को रिपीट करिए आप। नहीं नहीं, मैं पत्रकार को डिफेंड करूंगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साफ तौर पे कि जिस तरीके से जो सियासी उथल पुथल जारी थी उसमें पत्रकार भी क्या करेगा। नारायण त्रिपाठी का ये आप वीडियो देखिए, एमएलए नारायण त्रिपाठी मैयर से विधायक है, क्या कह रहे हैं इस वीडियो में देखिए। पहले भैया हटा भैया, अरे भैया रुक जा, किसके साथ हैं? चर्चा क्या होगी? सीएम से कोई विधायक मिलेगा तो क्या करेगा? लेकिन सर ऐसी परिस्थितियों में बीजेपी विधायक अगर कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री से मिलेगा तो जरूर सवाल उठेंगे। सवाल की कोई बात नहीं, सीएम है। लेकिन सर जो घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम के समय माना जा रहा है क्योंकि हरदीप सिंह डंग जी इस्तीफा दे चुके हैं और क्या मानता है। मैंने मेरे हिसाब से ये वीडियो देखने के बाद पब्लिक को समझ में आ रहा होगा, दोनों वीडियो बहुत अहम वीडियो हो जाते हैं, चाहे वो बिजरावगढ़ से विधायक हैं संजय सत्येंद्र पाठक, उनका वीडियो आपने देखा। मैयर से विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के नारायण त्रिपाठी, उनका वीडियो आपने देखा। ये बात दोनों में समानांतर है कि दोनों इससे पूर्व यानी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। और अब जो है दोनों, मतलब ये दूसरी बार मतलब नारायण त्रिपाठी की बात करें तो वो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी से विधायक बने हैं। और संजय सत्येंद्र पाठक की बात करें अगर हम, वो पूर्व मंत्री रह चुके हैं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में, तो उनका भी सफरनामा है कि वो 2008 में पहली बार वो मंत्री, माफ कीजिएगा, विधायक बने थे राष्ट्रीय कांग्रेस से। उसके बाद फिर वो 2013 में विधायक बने राष्ट्रीय कांग्रेस से। 2014 में जब ये लोकसभा चुनाव चल रहे थे उस समय उनका जो है वो कांग्रेस के साथ में जो भी कई सारे मसले थे उसको लेकर फिर उनका मनमुटाव हुआ और वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। उसी साल अगस्त में चुनाव लड़ते हैं और बड़े मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी के विधायक बनते हैं। फिर 2018 में जो चुनाव आता है फिर वो बनते हैं उसमें विधायक, यानी दो बार वो भाजपा से विधायक रह चुके हैं और ओवरऑल चार। तो अब ये मैं क्यों बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि जो कई बार मैंने ये चीज़ हम लोग नोटिस करते हैं कि सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की कहानी आ जाती है कि ये ऐसा हुआ तो वो वैसा हुआ, फिर कयासों का बाजार लग जाता है, फिर पैनलिस्ट अलग अलग उसमें वो देने लगते हैं। अच्छी बात है, देखिए पैनलिस्ट भी अपने कयासों के हिसाब से बनाते हैं। अगर मैं और आप कुछ बता रहे हैं, मैंने किसी भी मीडिया हाउस का कोई बुराई नहीं करी, लेकिन मेरा ये कहना कि जिन बेसिक एथिक्स का हम लोग वेपन के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, आप उससे ही पब्लिक को जानबूझ के खिजियाइएगा तो ये कैसे चलेगा, ये कैसे चलेगा बताइए ना। सोशल मीडिया पे शहडोल विधायक कौल साहब का भी एक बयान जारी हो रहा था जिसमें वो भाजपा को कोसते नजर आ रहे थे और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वो भी कांग्रेस में शायद शामिल हो जाएंगे। देखिए वीडियो और बयान में आप संजीव कुशवाहा का बयान देख लीजिए, हैं क्या कह रहे हैं वो,
और किसे कह रहे हैं वो, इस पर शायद हम लोग कल बात भी कर चुके हैं, कल के वीडियो में हम लोग इस पर बात भी कर चुके हैं। लेकिन आपने चूंकि नाइट ड्रामा पॉलिटिक्स के बारे में बात करी थी, तो हम लोग उस दौरान यही देख रहे थे कि जब मंत्री वहां से आना शुरू कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी गाड़ियां निकल रही है, तो पहली बात तो मैंने आपको पहले ही बता दिया किसी ने बाइट नहीं दी, लेकिन उस दौरान एक सुगबुगाहट जरूर थी। सब सुबह होने का इंतजार कर रहे थे, सुबह क्या होगा, सुबह क्या होगा। अभी भी मैंने कुछ चैनल्स खंगाले, उसमें चल रहा है तीन विधायकों को बताया जा रहा है कि भाई बिंद से जो है बड़ा बदलाव होगा, बिंद से भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूटेंगे, इनको बिंद का प्रभारी बनाया गया है, इनको ये बनाया गया है, ये तरह की चीज़ें। लेकिन फाइनली जो कोर हम देख रहे हैं वो यही चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों, मतलब ये एक तरफा गेम नहीं है, ये दो तरफा गेम है, दोनों अपने अपने तरीके से साधने में लगे हुए हैं। तो अगर कांग्रेस के विधायक सो कॉल्ड अपने आप को बहुत राष्ट्रवादी बताने की कोशिश करें या भारतीय जनता पार्टी के विधायक, तो बिल्कुल भी भ्रम में मत आइएगा, दोनों पार्टियों में अच्छी खासी रस्साकसी चल रही है। जो मीटिंग कमलनाथ श्यामला हिल्स स्थित सीएम हाउस में ले रहे थे, तो एक और मीटिंग दिल्ली में भी चल रही थी, नरेंद्र सिंह तोमर जो केंद्रीय मंत्री उनके बंगले पर चल रही थी, बीडी शर्मा और गोपाल भार्गव वहाँ मौजूद थे। दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा पहले से मौजूद हैं, बड़ी बैठक है और बिल्कुल मैं कहूँगा कि दोनों पार्टी अपने अपने तरीके से लगी हुई है। और ये बात लिख लीजिए अभी से कि 16 तारीख को जो विधानसभा सत्र होने वाला है वो अति 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 हंगामे में बीतेगा। सज्जन सिंह वर्मा का भी एक बयान सामने आया जहां वो बोल रहे हैं कि हम एक के बदले तीन विकेट गिराएंगे। देखिए सज्जन सिंह वर्मा एक बड़े ही अनूठे नेता हैं, पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं इस सरकार में, और वो जब कहते हैं तो उसमें ट्विस्ट बड़ा रहता है, वो उनके एक तो शैली उनकी बड़ी अलग है कहने की, तो उसमें ट्विस्ट बहुत रहता है। तो नो डाउट सुखदेव पांसे ने भी कहा था, पीएचई मंत्री हैं कमलनाथ सरकार में, कि हम 12 खींच लेंगे। जनसंपर्क मंत्री पीसी शर्मा कह रहे हैं कि 8 नहीं 10 नहीं 12 20 बड़ा आंकड़ा आएगा। दिग्विजय सिंह भी 20 का आंकड़ा बता रहे थे। दिग्विजय सिंह तो देखिए इस पूरी गाड़ी के इंजन है, अगर एक इंजन मिस्टर कमलनाथ जी का है सीएम ऑफ मध्य प्रदेश, नाउ द सेकंड इंजन ऑफ द एक्स सीएम ऑफ मध्य प्रदेश एंड सुपर कोऑर्डिनेटर ऑफ कांग्रेस कमेटी, इट्स इनविजिबल, आपको दिखाई नहीं देते वो, लेकिन हैं वही। चाहे शाम की बात करें, धाम की बात करें, दंड की बात करें, भेद की बात करें, तो चारों कलाइयों के महारथी हैं। अब आप कहेंगे कि आप दिग्विजय सिंह का महिमांडन कर रहे हैं, तो देखिए दिग्विजय सिंह का ये क्लियर महिमांडन नहीं है, कल हमने शायद उनका कुछ बातों का खंडन भी किया था। तो उसमें कुछ मैसेज भी आए कि भाई आप दिग्विजय सिंह के पीछे ऐसा टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो हमने यही कहा था कि भाई स्पष्टीकरण की जब बात होती है तो नेता अपना स्पष्टीकरण दे रहा है, पत्रकार को चूंकि समाज की धुरी का बन के चलना पड़ता है। मैं कह रहा हूँ इसमें जनता कहाँ है, जनता कहाँ है बताइए ना भाई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस और ये बड़े नेताओं बड़े अफसरों के बीच में। विवेक जी है ना, जनता भारतीय जनता पार्टी, जनता इंडियन नेशनल कांग्रेस। देखिए जनता क्या विज्ञापनों के चित्रों के प्रतीकात्मक तस्वीरों की खुशियों के लिए बनी है कि उसको देखकर नेता खुश नहीं हो रहा है, खुश होने का नौटंकी कर रहा है, ढोंग कर रहा है। तो अगर जनता को एक केवल वोट ऑफ सिंबल पिक्चर के तौर पर ही यूज किया जाना है और सरकार के जनसंपर्क विभाग द्वारा सरकार के पिटारों की सरकार की ऐसा बताया जाता है कि स्वर्ग में रह रहे हैं आप, मतलब अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो जनसंपर्क विभाग की बनाई हुई फिल्मों में है, कहने का मतलब ये। लेकिन हकीकत में क्या होता है आप किसी चीज से, लेकिन इन बड़े बयानों में इस बड़ी चीजों में, क्योंकि मीडिया का पूरा पोटेंशियल वही है, आप और हम भी उसी पर बात कर रहे हैं भाई, आप और हम अपने आप को कहाँ अलग कर पा रहे हैं उस चीज से, तो जनता इसमें गायब हो जाती है, बड़े मुद्दे गायब हो जाते हैं। भोपाल के गांधीनगर में आसाराम चौराहे के पास का जो ओवरब्रिज खराब है उस पर कोई बात नहीं कर रहा है अभी। आप चले जाइए आशिमा मॉल के पास में बावड़िया कला ओवरब्रिज बना है, लैंडिंग पॉइंट उसमें खराब है, मैंने रिपोर्ट पढ़ी थी कि 10 दिन में 12 हादसे हो गए, उस पर अभी कोई चर्चा नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि इतने बड़े राजनीतिक घटनाक्रम चलते हैं तो सभी उसमें लग जाते हैं, बड़ी बड़ी चीज़ें आपको नहीं पता चल पा रही। इसी में एक बड़ी खबर शायद ये भी
मिस हो गई है कि यहाँ के डीजीपी को बदल दिया गया है, बीके सिंह साहब, बीके सिंह को बदल कल रातों रात बदल दिया गया। क्यों बदल दिया गया? खेल का डायरेक्टर बना दिया गया। खेल का डायरेक्टर बना रहे हो आप डीजीपी लेवल के आदमी को? और ऐसा नहीं है कि कल शिवराज सिंह चौहान की सरकार थी और आज मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ ली है, जो हमने पहले देखा था ऋषि शुक्ला को हटाया गया था। तो भाई उसका कारण बनता था क्योंकि हर पार्टी जब अस्तित्व में नई सरकार के तौर पर आती है तो वो पुराने अधिकारियों को हटाती है। लेकिन ये तो वीके सिंह को तो आपने बनाया था ना, वीके सिंह पर ये आरोप है कि वो बाला बच्चन के साथ उनकी पटती नहीं थी शायद। ऑब्वियस सी बात है, आप अगर इस बात को, अब सरकार के लोग तो खुल के नहीं कहेंगे, वो तो कुछ और कहेंगे, लेकिन अंदरूनी खबर है तो इसमें हमें स्टडी करना चाहिए और इसमें से जो भी निकल कर आए वो जनता को बताना चाहिए। हमारा ये नैतिक फर्ज है कि जनता तक हम सच्चाई परोसें। लेकिन ये इम्पोर्टेंट नहीं हो जाता है कि एक अलग, दो अलग अंग हैं तो एक दोनों को अलग होना चाहिए। डीजीपी का काम लॉ एंड ऑर्डर को संभालना होता है तो मेरे को लगता है आपने सिर्फ किताबें पढ़ी है। प्रैक्टिकल अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं होता है। प्रैक्टिकल में होता ये है कि दोनों एक अंग नहीं है, एक ही अंग है। उस अंग का नाम होता है मंत्री, और मंत्री के नीचे जो अंग आते हैं वो उसी के अंग होते हैं। मतलब साफ तौर पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किताब में नहीं, प्रैक्टिकल तौर पे कि अगर अधिकारी मंत्री जी के बात नहीं मानेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा, सोचा भी नहीं जाएगा। हो सकता है आदेश का भी इंतजार न किया जाए। हाँ। एक मन से भी हटाना होता है। यही संजय पाठक के संजय पाठक से मैं फिर इसे जोड़ देता हूँ। एक खबर दैनिक भास्कर में छपी है जिसमें यह साफ तौर पे कहा गया है कि 8 महीने पहले ही एक आईएएस अधिकारी ने ये मतलब कि फाइल, उनके खदानों की फाइल सामने पेश कर दी थी जहाँ उसे बंद कर देने की बात थी और उस अधिकारी को हटा दिया गया। लेकिन आज जब हॉर्स ट्रेडिंग का मामला चल रहा है और संजय पाठक पे ये इल्जाम है कि वो ऐसा कर रहे हैं कुछ, ठीक है, फिर उनके खदानों को सीज कर दिया गया। देखिए 8 महीने पहले वाला वाक्य बता रहे हैं, एक्चुअल मुझे घटना तो नहीं पता है, लेकिन इसके साथ मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि भाई अगर 8 महीने पहले का मामला है और चूंकि संजय पाठक पूर्व मंत्री हैं और शिवराज सिंह चौहान सरकार इस प्रदेश से 12 दिसंबर सन 2018 को अपदस्थ हो गई थी, 11 दिसंबर सन 2018 को रिजल्ट आए थे, और मेरे हिसाब से जितना मेरा दिमाग जा रहा है कि 12 तारीख को शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा दिया था अपना, और 15 या 16 तारीख को कमलनाथ मुख्यमंत्री के तौर पर इस प्रदेश के शपथ लेते हैं। तो अगर 8 महीने पहले का मामला है तो फिर ये क्या कांग्रेस वाली जो चीज़ है, मतलब इनके कहने वाली बात अलग है। और जो दूसरी बात है, देखिए अधिकारी कोई भी होता है, कोई भी अधिकारी होता है, ये बात हमें सर्वसम्मति से मान लेनी चाहिए कि वो सरकार के कहे बिना, एक जैसे कहते हैं ना कि हमारे कहे बिना पत्ता भी नहीं हिलता, तो ये बात होती है, ये बात अधिकारियों को पता होती है कि मंत्री जी कहेंगे, अमुक नेता कहेंगे, तभी पत्ता हिलेगा अथवा नहीं हिलेगा। चलिए बहरहाल इस डिस्कशन को अब समाप्त करते हैं, तो आपसे सिर्फ क्लोजिंग कमेंट ले लेना चाहता हूँ कि क्या कमलनाथ की सरकार अब स्थिर है, बच जाएगी? मैंने कहा ना रस्सा कसी का गेम चल रहा है, रस्सा कसी के गेम में मीडिया जो है वो मिड पॉइंट पे है, मतलब पलड़ा जब जूम और जूम जाता है ना तो मीडिया उसको दिखाती है, ये 2 विकेट गिरे ऐसी बातें चल रही थी कल। तो मतलब पीसी शर्मा जनसंपर्क मंत्री से मीडिया के ही कुछ लोग पूछ रहे हैं कि सर कितने विकेट गिरा दिए, तो वो है तो मीडिया मिड पॉइंट में है, मिड पॉइंट में रह के ही काम करे और वही चीज़ें दिखाए जनता को जो एक्चुअल है। और रही बात, मैंने आपको बताई दिया है कि 16 तारीख से विधानसभा का सत्र शुरू होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के कई नेता दिल्ली में पहले से मौजूद हैं, कुछ भोपाल में हैं, मीटिंग चल रही है। और आज की एक लेटेस्ट खबर आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री कमलनाथ का ओरछा दौरा रद्द हो चुका है, हो सकता है कि आइफा भी रद्द हो जाए। आज आइफा के संबंधित जो वर्किंग कमेटी के लोग हैं वो भोपाल आ रहे हैं मुख्यमंत्री कमलनाथ से मिलने, तो आइफा भी रद्द हो सकता है। छिंदवाड़ा दौरा भी रद्द हो गया है मुख्यमंत्री कमलनाथ का, 8 तारीख को प्रस्तावित दौरा था, ओरछा दौरा रद्द हो गया। सब कुछ सामान्य चल रहा है क्या? नहीं चल रहा है।
तो प्रदेश के नेता दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली से क्या कुछ नेता प्रदेश आते हैं ये आने वाले समय में देखना बहरहाल दिलचस्प होगा। लेकिन सबसे मेन बात, सरकार किसी की भी बन जाए, आप सरकार क्यों चुनते हैं ये सवाल अपने आप से नहीं नेताजी से कहना शुरू कर दीजिए, आपके अच्छे दिन अपने आप आ जाएंगे। नमस्कार।